हेलो फ्रेंड्स, रचना ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। बनाने वाली हूँ पास्ता। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज चॉप करके रखा है और कुछ थोड़ी गोभी चॉप करके रखे हैं, और यहाँ पे आधा किलो पास्ता है जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, और उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा है और उसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें मैं एक हरी मिर्ची डाली हूँ। मैं एक प्याज डाल दी हूँ जो चॉप करके रखा था, और प्याज गर्म हो रहा है। 1 मिनट तक हम प्याज को चलाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, और यहाँ पे मेरे प्याज लगभग हो चुके हैं। गोभी डालेंगे जो मैंने चॉप करके रखा है। यहाँ पे मैंने चॉप करके रखा है गोभी, ये डालेंगे अब हम। प्याज मेरा हो चुका है उसमें, तो यहाँ पे मैंने गोभी डाल दिया। अब इसे हम चला लेते हैं। इसे हम चलाते हैं 2 मिनट तक। तो इसे हम 2 से 3 मिनट चलाएंगे फुल तेल पे। उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। धीरे धीरे हो रहा है यहाँ पे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है ताकि ये जले ना और अच्छे से हो जाए। तो देखिए ये हो रहा है, तब तक हम चलिए दिखाते हैं। मसाले मैंने तैयार करके रखे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मसाले तैयार करके रखे हैं। ये गरम मसाला पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैगी मसाला 1 चम्मच है। और ये देखिए, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये नमक स्वाद अनुसार। तो देखिए, यहाँ पे मेरा पास्ता हो चुका है। इसे हम बंद कर दिए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और निकाल के पहले हम धुल लेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो देखिए, यहाँ पे जो मसाले मैंने लिए थे, ये मसाले यहाँ पे प्याज और गोभी जो मैंने डाला था वो हो चुका है। तो उसमें मैं ये सारे मसाले ऐसे डाल देती हूँ। तो एक साथ हम सारे मसाले डाल देंगे, और इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है। तो देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। फिर हम चलाते हैं 2 मिनट तक ताकि मसाला अच्छे से हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो चलिए, अब यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो रखा था मैंने, 1 मिनट के बाद हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर हम इसको चला लेते हैं अच्छे से। इसे अच्छे से मिला दीजिए ताकि सारे जगह मिल जाए अच्छे से, एक में अच्छे से मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मिल गया है। अब इस 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टमाटर चॉप करके, यहाँ पे मैंने टमाटर रखा हुआ है, ये 2 टमाटर है। तो चलिए, अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। 2 मिनट हो चुका है, अब हम यहाँ टमाटर डालेंगे और इसे चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक जो मैंने लिया है। नमक डालेंगे, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, और इसे चला लेते हैं। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, मिला लेते हैं हर जगह। आप इसमें और इंग्रेडिएंट जो आप वेजिटेबल डालना चाहें वो डाल सकते हैं, गोभी के अलावा जो चाहे वो डाल सकते हैं। इसमें जितने इंग्रेडिएंट चाहते हैं उतना अच्छा लगता है ये। इसे 2 से 3 मिनट तक ढक देते हैं। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। अब इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। मैंने इसे ढक के छोड़ दिया है, 2 मिनट बाद देखते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने गैस पे से उतार लिया है, और इसे मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे पास्ता बहुत अच्छे से हो गया है। इसे मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि ये एक में चिपके ना, इसीलिए मैंने इसे ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। इसमें अच्छे से पक गया है मसाला, इसमें बहुत ही अच्छे से, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। टमाटर के साथ गल चुका है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। यहाँ पे देखिए, मैंने ठंडे पानी से इसे वॉश कर लिया है ताकि ये एक में चिपके ना। ठंडे पानी से वॉश करने पे नहीं चिपकता है एक में। अब इसे हम
इसमें डाल देते हैं। मसाला भी हो चुका है यहाँ पे और जो वेजिटेबल मैंने डाला था सब ये पक चुका है, तो अब हम डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पास्ता डाल रही हूँ, हो चुका है यहाँ पे मसाला, उसमें मैं पास्ता डाल रही हूँ। हम पूरा पास्ता डाल लेते हैं इसमें। तो देखिए मैंने पूरा डाल दिया, अभी इसे चला लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिए मैं इसे पलटे से चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए और टूटे ही ना, हल्का हल्का। तो ये देखिए ये इसमें कितने अच्छे से मिल गया है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर इसका बहुत ही अच्छा आ गया है। तो देखिए अब मैं इसमें एक मैगी मसाला ऊपर से डाल रही हूँ। मैगी मसाला रोस्टेड होता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं एक मैगी मसाला ऊपर से डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, फिर हम लोग दोनों पलटे का यूज़ करके मिला लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है, दोनों पलटे से आप मिलाइए तो टूटता भी नहीं है, तो मैं इस तरीके को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है मैक्रोनी मसाले में, तो ये आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें मैंने दो पलटा यूज़ किया था, तो अब एक पलटा हटा दी हूँ क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक मुझे मिक्स करना था, पूरा मिल गया है एक में। तो इसे अभी हम एक मिनट तक रखते हैं गैस पे मीडियम फ्लेम पे और इसे चलाते हैं हम अच्छे से। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। तो चलिए अब हम गैस बंद करते हैं और निकालते हैं पास्ता एक प्लेट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है, निकाल लिया है पास्ता, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं धनिया की पत्ती से, तो हम धनिया की पत्ती यहाँ पे डाल के थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती से डेकोरेट कर दिया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।